लुधियाना के 10 साल के एक लड़के का ये वीडियो 7 मई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वह तपती धूप में अपने गले में टोकरी डालकर सड़क पर मोजा बेचता नजर आ रहा है। कोरोना के दौर में जिसने हर किसी को प्रभावित किया है, वंश ने परिवार को खिलाने के लिए मोजे बेचना शुरू कर दिया। वह गरीबी के बावजूद पूरी ईमानदारी से मोजे बेचता है। सात सदस्यों वाले परिवार में वंश सबसे छोटा है। उसकी 3 बहनें हैं, 1 भाई और माता पिता। वंश का परिवार पिछले कई सालों से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिता रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पिता ने मोजे बेचने शुरू कर दिए। लेकिन कोरोना महामारी फैलने के बाद ये काम भी पूरी तरह से पटरी से उतर गया। जैसे काम लगे गया था, जब हमारे पास काम था हम अच्छा खाते थे। बिना काम के बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। बड़ा बेटा भी अब दुकान पर काम करता था। दुकान बंद होने के कारण वह इन दिनों दुकान पर नहीं जा रहा। हम सब काम पर नहीं जा रहे थे, छोटा बेटा काम पर जाता था। वंश का परिवार लंबे समय से गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। आज का तब मैंने सारी उम्र गरीबी देखी है। मैंने जीवन भर गरीबी देखी है। हमारे 5 बच्चे हैं, कुल मिलाकर हम 7 सदस्य हैं जिनका ध्यान रखा जाना है। हमारा काम कभी भी निश्चित नहीं था। अगर हम दोपहर में खाना खाते तो मुझे पता नहीं होता था कि हम अपने बच्चों को रात में रोटी दे सकेंगे, लेकिन अब हम रोटी खा रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं और अब वे भी मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं। वंश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उसकी मासूमियत और ईमानदारी की तारीफ की, जिसके बाद उन्होंने जिले के डिप्टी कमिश्नर के जरिए ही इस बच्चे और उसके परिवार से संपर्क साधा। उन्होंने उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात भी की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और कहा कि वे उसके घर, स्कूल और पढ़ाई का खर्च भी वहन करेंगे। अपने परिवार की मदद करने तुसी जाके ट्रैफिक लाइट ते कुछ समान बेचते हो, पर बेटा हुण थोनू असी पढ़ाउणा जरूर। मैं डिप्टी कमिश्नर नूं कहना कि थोनू जिथे स्कूल ते थोनू तुसी आए हो जिथे पढ़े हो उत्थे थोनू दोबारा पाउण उत्थे, और जिथे ताए थोड़े परिवार की मदद है वह मैं करूँगा। मुख्यमंत्री ने तुरंत लुधियाना के डीसी को वंश को 5वीं कक्षा में दाखिला दिलाने और परिवार को 2 लाख रुपए का चेक देने का निर्देश दिया। बेटा तू भी पढ़न लग, इससे स्कूल की तेरी आज एडमिशन करा देते हैं। दोनों भरावां दी किथे पढ़न आया। अब देखो ये बच्चे ने बिजनेस भी करना, तुसी जी मैं थोड़ी वीडियो देखी थी, ये इस बच्चे को शौक है कोई चीज खरीदा बेचा, ये बिजनेसमैन भी ताही वधिया बणूगा जे पढ़ूगा तां। बच्चे ईटीवी भारत की टीम से बात करते हुए वंश ने कहा कि अब वह मोजे बेचने का काम नहीं करेगा और स्कूल जाकर पढ़ाई करेगा। अच्छा कैप्टन साहब ने गल हुई उदो की गल हुई ना? मेरे घर का खर्चा सीएम वहन करेंगे। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। मैं अब काम नहीं करूंगा और फिर से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। सरकार से मदद मिलने पर वंश के माता पिता ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डालने वाले का शुक्रिया अदा किया। जिस बंदे ने भी वीडियो पाई है, मैं उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती जिसने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाला। वो हमारे लिए गुरु नानक देव जी थी। हम कैप्टन साहब के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारी गरीबी पर ध्यान दिया। हमारी मदद के लिए सभी का शुक्रिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चों की बहुत मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।